नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं, आप तक पहुंच पा रही हैं? नोएडा गए घूमन? अरे मैं कहाँ गया, मैं तो यही हूँ। जाऊंगा तो भी नोएडा क्या करने जाऊंगा बे? पर वीली जगह हो, पर तूफानी अंदाजों में पहुंचना होगा, तब तो जाके कुछ मजा भी आए। क्या नोएडा में रखा है? ठीक है, चलिए भैया। SSC के लिए आपका मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 3 जनवरी को रोहतक हेड ऑफिस पर। आप इसका पार्ट बनिए और स्कॉलरशिप जीतिएगा। और SSC के लिए भव्य काउंसलिंग मेला होगा, जहां पर आप लोगों के लिए बेटा अगर बात की जाती है, कोई भी संबंधित प्रश्न आपके SSC से संबंधित है, तो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके फ्री एंट्री पासेस आप ले सकते हैं। तो वेटिकन शो आज रात 8 बजे आना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। स्वागत नहीं करेंगे, सबका करेंगे भैया। आज पैसा बटेगा, बराबर बटेगा, सब में बटेगा, पेंशन सी बटेगी। चलो अगला देखते हैं मामला क्या है। ये भैया जी आ गए हैं, हम तो प्रश्न ले आते हैं आपका। कहाँ है जबरदस्त प्रश्न? सबसे पहला चलिएगा, ऑल द एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब आर रेड ग्रीन व्हाइट इन कलर। चलो भैया पड़ोसी हैं। इफ दे आर कट इन टू 64 स्मॉल क्यूब्स, देन हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर? दोज थ्री फेसेस आर कलर्ड। किसी घन के सभी आसन सतह लाल, हरे और सफेद रंग से रंगे हुए हैं, उन्हें छोटे घनों में काटा जाए 64 में, तो छोटे घन कितने होंगे जिसकी 3 सतह पे रंग होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। ठीक है पूजा जांगड़ा, फ्रेंड्स 50% ऑफ चल रहा है, आ जाओ जल्दी से जल्दी वेटिकन पर। बिल्कुल धमाकेदार ऑफर चल रहा है, और यहाँ पर आज तो भीड़ ऑफिस में जबरदस्त थी बच्चों की, क्योंकि ऑफर का फायदा उठा रहे हैं। झटाक से आप भी झटपक झटाक कल तक ले सकते हो इसका फायदा। ठीक है, अरे मन्ना बूझो, मोती चूर के लड्डू में उलझ रहे हैं आज गुरुदेव। चलिए भाई चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, क्या होगा यहां पर क्वेश्चन का राइट आंसर? मोती चूर का मामला कहां से भैया, आपको कैसे पता? मोनिका नागर जी जरा बताना, मेरे घर में मोतीचूर के लड्डू चल रहे हैं, ऐसे कैसे? पूनम ननकड़ करिए, मेरा दोबारा एडमिशन कर दो सर, आ जाओ जी, पैसा लाओ, एडमिशन कराओ, बैच पाओ, सीधी सीधी बात। चलिए बी ऑप्शन, ज्योति MJB 435 कह रही है बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अंजलि बलारा 8 कह रही है, पूनम ननकड़ 8, वर्षा मलिक 8 कह रही है। ठीक है चलो, रवीना राठी मेरा तो रिचार्ज खत्म हो गया, 6-8 तक था, 6-9 पे आपका मैसेज आया, 6-8 पे कैसे था? चलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, थ्री फेसेस का जब भी आंसर पूछता है, चाहे दो कलर हो, एक कलर हो या 3, तो हमेशा स्टैंडर्ड आंसर फिक्स रहता है कितना, 8। ये कभी भी चेंज नहीं होता बेटा, इस बात को रखिएगा हमेशा ध्यान में। ठीक है, योगी कह रहे राम राम गुरुदेव, राम राम तो ठीक है। जमील तुम बहेरी, ये कौन आए भैया नए नाम से, जय हो गुरुदेव। मोनिका नागर जी आपको कैसे मामला पता, ये तो बताइएगा। ठीक है मोनिका नागर, गुरुदेव आपकी पड़ोसन हूं मैं, कौन सी मोनिका नागर है? अच्छा मेरे घर के पीछे वाला मामला तो नहीं है, फोटो जूम करना एक बार, कौन है पता नहीं, जो भी है यार, जो भी है, मोती चूर के लड्डू चल रहे हमारे, मैं घर में गया नहीं, मुझे मामला पता नहीं, मेरे घर के अंदर तक की बात इनको पता है भाई, क्या बात है, हमारा प्राइवेसी लीक हो गई। 2022 का आगमन होगा वेटिकन ऑनलाइन कोर्सेज पर, 60% की भारी छूट, बिल्कुल जी। ठीक है, ऋतु झगड़ा कर रही है, सर हम भी हैं मखा, हमारी भी ले लो राम राम, अरे तारी दो बरे हाथ जोड़ के सारे की राम राम है भाई। जल्दी जल्दी बताइएगा कौन सी पड़ोसन है नागर जी, पता नहीं। ठीक है लो सर जी, आपकी पड़ोसन भी आ गई, गलत आगे फिर तो। ठीक है चलिएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, ऑप्शन ABCD। अच्छा तुम बेरी गांव है जी जज्जर में, चलो ठीक है भाई, तुम्बा एडी है क्या, तुम्बा, अच्छा तुम्बा एडी, पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा था। ठीक है हाल ये गुरुदेव मन्ने तो सारे, आप खातर कौन ही बचे बेरा ना भाई, कौन है या पड़ोसन का भी मामला समझ नहीं आ रहा, या और घोड़िया हो गए काम खा के। चलो न्यू बता दो, बीत के बीत लागते पड़ोसन हो गए, पाछले का रहो कागले का, न्यू मन्ने तो न्यू बिना मेरा मरा पड़ोस में रहो, कौन है यार, लड़का ही लगड़ा सामने बड़ा बेरा नहीं पटता। चलो नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने थे कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 दूनी कितना होता बेटा 8, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हो गए 8,
मामला एक दो तीन चार का ही हो गया, आठ चार बारह हो गए बेटा, एक दो तीन और चार सोलह हो गए, सोलह से ज्यादा कुछ है? ओहो आठ तो इधर थे ना, आठ चार बारह यहां से थे, कितना चार दूरी आठ, फिर चार थे बारह और चार सोलह, सोलह से ज्यादा ही ऑप्शन में नहीं है, राइट आंसर आ गया सोलह, बिल्कुल सही है। अंजलि बलारा जी इतने 32 के 32 दिखा रहे हैं, गलत बात है यार। मैन की बायोग्राफी नेशन की क्या होगी, लीडर ज्योग्राफी हिस्ट्री या पीपल, क्या होगा जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर, ओ बी ए बी सी या डी। मोनिका डेली आया कर सर को बता दिया कर के हो रहा है घर में, वो सारी बात नहीं बुझ जाते करके भीतर नहीं है। नया भारद्वाज गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी आंसर बताएं, ऑप्शन ए बी सी या डी। सर जी धन्यवाद हुआ आपका मेरे स्क्वायर क्यूब याद करवाने के लिए, धमकी से या फिर बेइज्जती के डर से कर लिए सर जी आज याद, चलो मुबारक हो। ठीक है एक चीज तो जिंदगी में साल में जाते जाते कुछ तो सिखाया मैंने आपको। ओहो मोनिका ना करके बोले हम्बा गुरुदेव पाचले पड़ोसी पीत के भीत लाग दी, समझ गया समझ गया बेटा, जब मैं रात में 10:30 बजे घर आ जाऊँ छात पांडा पाए करें वही तो ना है, कान का फोन ला के अंडा करें वही पाओगे पक्का। चलिए हाँ हमें यही नहीं पता पड़ा उसमें कौन है, मैन का बायोग्राफी से तो नेशन का रिलेशन बताइएगा बेटा किससे होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताना है क्या होगा, क्या लीडर से होगा पीपल से होगा हिस्ट्री से होगा या किससे है, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा हिस्ट्री, बिल्कुल सही जवाब है, पर निकम्मी है सारी छोरी, हाँ लागे तो मनीषा है कि मैं है। मैन का बायोग्राफी से नेशन, देखिए इंसान की बायोग्राफी लिखी जाती है और देश की क्या लिखी जाएगी, किसी भी नेशन की राष्ट्र की क्या लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास बोले तो हिस्ट्री लिखी जाती है। गार्डन में ट्रॉवल, गार्डन का रिलेशन है ट्रॉवल से, तो सेमेस्टर सॉरी सीमस्ट्रेस का संबंध किससे होगा, बगीचे में खुरपी, ये बताओ भैया अब मारो तुक्का, अब देखें भैया किस में कितना है दम, कौन कहेगा सही और कौन कहेगा गलत, मारेंगे तुक्का पक्का बताएं, जल्दी आंसर बताएं। जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा, ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा राइट आंसर, फटाक से गलती किसी ने नहीं करनी है। कृपया गलती ना कीजिएगा, चलिए 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 चलिए, हाँ, वाह पूजा जांगड़ा जी, पूजा 43 प्रियंका 43 कह रही है सर जी इज्जत के साथ बेइज्जती ना करो, हाँ ना ना नू तो बे के मारना ही चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है, कितने की घंटे की क्लास है जी, चिंता ना करो 6 से 7 की क्लास होती है। यहाँ पर आंसर देखिएगा, गार्डन का संबंध ट्रेवल से, देखिएगा बगीचे में खुरपी इस्तेमाल होती है, यहाँ पर अगर बात की जाए दर्जन बोले तो टेलर, टेलर का क्या इस्तेमाल करेंगे, सीजर्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, स्पीड बढ़ाएं आंसर बताएं, जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। अंजलि पहल करी ऑप्शन ए, अंजलि बलारा ऑप्शन ए, जमील तुम्बा हेड़ी ए ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही जवाब था, योगी 7 बजे तक, बिल्कुल जी योगी जी जवाब दे गए हैं, ऑप्शन ए बी सी आर डी। 14 का संबंध 9 से तो 26 का किससे होगा भाई, जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, इज द राइट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 14:9 26:what, बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आ गया, आंसर तुक्का मारेंगे। मोनिका नगर 12 इज्जत के साथ बेइज्जती होगी, भर भर के होगी। प्रवीण मलिक जी कह रहे 15, सीमा सतीश कह रहे ऑप्शन डी, या बबीता कुमारी ऑप्शन ए 12, चलिएगा रचना राठी ऑप्शन ए, रितु जांगड़ा कह रही है बी होगा, योगी जी कहते बी होगा, सीमा जी 15, शीतल देसवाल सी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, अरे रफ्तार बनाओ यार, रीजनिंग रफ्तार से हमें क्या फायदा आप लोगों का है? सर ए बी सी डी, रितु जांगड़ा सर्व सम्मानित सर सहमति से सरपंची पद दे दो इनको, क्या क्या गुंडे बनोगे तुम, सरकारी गुंडे कहाँ से बनोगे बेटा, यहाँ से नहीं यहाँ से बन रहा है, ये क्या बन रहा है ये देखो, 9 का दुगना कर दूं 18 और माइनस कितना 4, ये लो बेटा किसका दुगना करूं 15 का दुगना 30 माइनस 4 यही होना चाहिए ना 26, आ गया 15 बिल्कुल सही है, 12
हाँ बात वही है, 14 कादा प्लस 2 26 कादा 13 और +2 होगा। बिल्कुल सही जवाब है मोनिका नागर जी। मामला डूब गया, नैया गई पानी में, स्वाद नहीं आया कहानी में। अगला देखिएगा, क्यूजे का संबंध 20-34 से है, तो यहां पर आरआई का संबंध किससे होगा? बहुत बढ़िया, स्पीड रफ्तार। ठीक है, ये देखो सर जी, आज तो मेरे गोलिये हो गए क्या आप मन्ने भाई फेस भी जानो हो कि ना? अरे जानता हूँ, मैंने आपको बताया तो था। ठीक अच्छा ये सस्ते गुंडे बनेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जल्दी आंसर बताएं। स्पीड बनाए, स्पीड, जल्दी आंसर बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड बनाए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद इंडियन आर्मी। ऋतु अलावत नमस्कार। अरे मोनिका नागर जी, हमसे कहाँ पार लगेगी, क्या करना तो तुमको ही होगा, सब कुछ हो मेरे भैया, जल्दी बताइएगा। शाबाश, ऑप्शन डी 1836 कह रहे भैया, देखिएगा क्या कह रहा है। प्लेस वैल्यू 17 है, ये किसकी है? 10 है। ये 10 का डबल कर दिया 20, 17 का डबल 34, तो ये 18 का है। 18 का डबल 36 और ये 9 का डबल 18, बोले तो 1836 लगा दो। ऑप्शन डी नैया पार, दीवार परम पार। और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ब्लैंक स्क्रीन कहाँ से आ गई बीच में हमारे, लगता है टच हो गया स्क्रीन। चलो सवाल में है जवाब, जवाब में है सवाल, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर जानो क्यों करो, जब पता गोलिये हो गए, जो कौन है जो सारी खबर दे। अच्छा पूरे बैच की खबर आप दे सकते हो, हमारे खबरी कोई नहीं है। चोर कितना भी शातिर हो, आखिरकार है ना बेटा, सबूत छोड़ ही जाता है। जब आपने कहा कि सर नजरों के नीचे अंधेरा, हम समझे, हमने लिंक जोड़ा, फिर हमने हम गए बैक डेट में पार्टी में, फिर हमें पता लगा हमारे टेक्नीशियन महोदय से, टेक्नीशियन महोदय ने बम फोड़ा, सर वो हो सकती है। हमने लिस्ट निकाली, लिस्ट में एक ही पूजा मिली जिसने शायरी सुनाई, लिखा था आगे शायरी। तो भैया तुम कहाँ जाने वाले थे, पकड़ गए फिर। या, लिपट गए ना, चोर शातिर थोड़ी है, कम शातिर है चोर, पोपट हो गया, राज छुपाए रखते थे। और आज आके कहते हैं सर गुड मॉर्निंग, मैं बाहर बैठा, मगा गुड मॉर्निंग बेटा, बोला सर मैं पूजा जांगड़ा, माँ बेटा मुझे पता है। बोला अच्छा सर आपको कैसे पता है, मजा तो यहाँ आया। ओ नो यस, नहीं एडिटर साहब का कोई काम नहीं है, लिंक लॉजिक्स लगाए थे। ऑप्शन भी आ रहा है भैया, ठीक है। हाँ रीजनिंग के सवाल की डाला मेरा पार्ट गया। चलो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भैया, ऑप्शन ए बी सी या डी, क्या हुआ राइट आंसर? हाँ जल्दी जल्दी बताइएगा। 9, 27, 31, 155, 161, 1127 शेयर करो, तब तक मैं शेयर करके आता हूँ। जल्दी आंसर बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, बड़ा मजेदार सवाल है। बी, गजब जी गजब सर, बी सीरियस। ये लो बेटा सीरियस मामला आ गया है, तो ये देखो सवाल के अंदर क्या कहा गया, ये क्या है (3) बेटा, ये क्या है (+4), यहां पर देखिएगा (5), ये क्या है (+6), ये देखिएगा (7), तो अगला क्या होगा बेटा (+8)। 28 और 8, 27 में 8 जोड़ देंगे तो 35 होता है, 1135। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। अरे एके जी आप इतना डरावना ना डराए मुझे यार, सही जवाब देखो, मैंने क्वेश्चन सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर फटाक से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ा बढ़िया लॉजिक था, ठीक है। सेशन लाइव और लाइक, आखिरी क्लास है इस साल की, मिलेंगे फिर अगले साल, आज 31 है ना, अगले साल मिलेंगे फिर, ठीक है। चलो चलो भैया, देखे हाथों में हाथ इनका, आइएगा एक बार, दर्शन बचा रहे हैं आपका, दर्शन अभिलाषी हैं बच्चे आपके, आ जाओ आ जाओ।
चलिए बिल्कुल सर, जल्दी आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, फटाक से बताइएगा। निशा कंबोजी कह रहे एडिटर सर के लिए गुलाब। यस बिल्कुल सही है भाई। चलो हाँ, पूजा जांगड़ा जी कह रही है ना सर मैंने यूं होया मखा सर कंफ्यूज हो रहे होंगे, आज बताए दूं, आपसे पहले पता लग गया था मुझे। ठीक है, जय हिंद आया है एडिटर सर के लिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर बताइएगा क्या होगा, लॉजिक क्या होगा सर, जल्दी जल्दी आंसर बताएं, गलती नहीं करनी है। पक्का गलती करेंगे, फंसे हुए हो। अनिल वर्मा हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। चलो जी सेम टू यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहां पर मामला थोड़ा सा मुझे गड़बड़ में लग रहा है। यहां अगर मैं कहूं तीन का स्क्वायर प्लस एक, ये है दो का स्क्वायर माइनस एक, यहां एक का स्क्वायर प्लस एक, यहां गड़बड़ है, जीरो का स्क्वायर प्लस एक आ रहा है यहां पे। अगर आगे देखें तो ये तो स्क्वायर में भी नहीं हो सकता, तीन का स्क्वायर है ना, नहीं बीच में गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है, गैप है। जल्दी 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 बताइएगा, 299 कैसे आएगा। चलो लॉजिक देखो क्या कह रहे हैं। इंडियन आर्मी कॉन्टेक्ट नंबर ये लिखा हुआ है मेरे भाई, मेरा ही है, ना करियो। ठीक है, ये देखिएगा, एक का स्क्वायर प्लस एक कितना बन गया बेटा, दो, दो का स्क्वायर माइनस एक कितना बना बेटा, तीन, तीन का स्क्वायर प्लस एक कितना बना बेटा, दस, दस का स्क्वायर सौ माइनस एक कितना बना बेटा, निन्यानवे, और निन्यानवे का स्क्वायर प्लस में क्या होगा एक, कितना बनेगा, अट्ठानवे, जीरो दो बनेगा, आंसर होगा निन्यानवे, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल है, क्यों नहीं है, लॉजिक दिखाओ सर, दिख गया लॉजिक, आ गया, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, ले लिया है राम राम। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, फटाफट से देखिएगा। राहुल पटेल, चलो घड़ी से संबंधित प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बड़ा गजब का लॉजिक था। ठीक है इबका, ठीक है मेरा, चलो तुक्का कभी ना कभी लगी जाता है बेटा, भीड़ में कहीं ना कहीं तो बात बनती ही है। ठीक है, पूजा जंगड़ा हाँ सर जी, बड़ा गजब का लॉजिक था गुरु जी, चलो बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी, आर्मी लवर, ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर मेरा ही लिखा हुआ था, आपको बेटा डिमांड कर रहे थे नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, बेशक जरूरी नहीं है ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, जल्दी आंसर बताइएगा सर। आप पीडीएफ नहीं डालते क्या? ना बेटा मैं पीडीएफ नहीं डालता हूँ, चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, पर डालता नहीं हूँ। ठीक है, सेशन लाइव और लाइक बराबर कर दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा, राहुल पुट्स हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे एट 6 PM आर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ, 6 बजे घंटे वाली नॉर्थ में हो जाती है। ठीक है भैया, तो मिनट हैंड किस में होगी, कब, 9:15 पर, जल्दी आंसर बताइएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर बताएं, जल्दी जल्दी आंसर बताएं क्या होगा। चलिए सुनिएगा बात को, उसने कहा ये जब 6 बजे है ना घड़ी में, तो ये जो 6 बजे का समय था, तो यहां पर एक बात बताना, इधर कितने हैं, 9, इधर कौन से बजेंगे आपके, 3, ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट है आपकी, ये साउथ है, लेकिन ये वेस्ट है। अब उसने क्या कहा आपको कि 6 बजे इन सच अ वे दैट एट 6 PM द आर हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन,
आर हैंड किसकी, यहां कौन आ गया भाई, नॉर्थ आ गया तो इधर कौन चला जाएगा, साउथ, इधर कौन हो गया ईस्ट और इधर कौन हो गया वेस्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आगे क्या कहा, तो 9:15 पर मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, 9:15 पर, 15 पर इधर होगी, 3 पर और 3 पर नई दिशा आ गई पश्चिम, पश्चिम आंसर होगा पश्चिम, वेस्ट ऑप्शन क्या आ गया डी, राइट आंसर हो जाएगा डी, वेस्ट पश्चिम बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए गलत है, पूनम धनखड़ बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मोनिका नागर डी बिल्कुल सही है, निशा कंबोज जी गलती कर गए हो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइएगा, प्रेजेंटेशन रिकमेंडेशन अराइवल डिस्कशन इंट्रोडक्शन, परिचय चर्चा आगमन संस्तुति, क्या बात है प्रस्तुतिकरण, यानी शुद्ध हिंदी, जल्दी आंसर बताइएगा, अरे 6:26 हो रहे हैं, वो 6 बजे का टाइम था ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के आगे मैं आ जाता हूँ, अब नहीं आऊंगा टेंशन ना लीजिएगा, नव वर्ष 2022 के लिए स्पेशल डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ है, 31 और 1 के लिए ऑफलाइन आपका डिस्काउंट रहना है, जल्दी जल्दी बताएं, लता रानी करिए वेस्ट होगा सर, मिलेगा तो वेस्ट आ गया, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन का लता रानी करिए 35142 होना चाहिए सर, चलो देखते हैं 35142, जल्दी जल्दी बताइएगा शाबाश, सही है कि गलत ये तो डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मुद्दा कुछ और है, नाम ही कह रहे सर जी वो क्वेश्चन करा दो जो गोहना ब्रांच से डाउट था, डाउट की स्पेलिंग DOUBT होता है बेटा, DOUGST गलत लिख रहा है, उस क्वेश्चन को भी सुलटेंगे अभी, मामला ला रहा हूँ चिंता ना कर, डायरेक्शन क्यों चेंज की, क्वेश्चन में बोला हुआ था निशा कंबोजी इसलिए बदलनी पड़ी, सी ऑप्शन कह रहे हैं सर, सी ऑप्शन होगा, देखिएगा किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले क्या होता है आगमन होता है अराइवल होता है, अराइवल कोई भी आएगा, आने के बाद उसका क्या कराया जाता है इंट्रोडक्शन कराएंगे किसी भी चीज का, इंट्रोडक्शन करने के बाद में, अरे कोई भी व्यक्ति नहीं चीज का, कोई भी चीज आएगी उसका इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा उसको प्रेजेंटेशन किया जाएगा, प्रेजेंटेशन के बाद उसके ऊपर डिस्कशन होगी और उसके बाद रिकमेंड किया जाएगा किसी न किसी को, कोई भी प्रोडक्ट है सबसे पहले उसका अराइवल होगा, देन उस पर इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन करने के बाद उसको क्या करेंगे प्रेजेंटेशन होगी, देन डिस्कशन होगा वेदर इट इज टू बी रिकमेंडेड और नॉट, तो उसके बाद लास्ट में रिकमेंडेशन आती है किसी और को आप रेफर करेंगे या नहीं वो उस पर बात करता है, ठीक है, भाभी खोसिया गुड इवनिंग जी, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर, फटाक से आंसर दीजिएगा, अरे मैथ का सवाल कहाँ आ गया भाई, वाले को हटाओ लगाओ, मैथ वाले सर का बीच में घुसा दिया इन्होंने, जल्दी जल्दी आंसर बताएं, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मैथ्स वाले क्वेश्चन को बीच में एंट्री करा दी थी इन्होंने मैथ्स वाले सर के लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रैंकिंग से संबंधित है, नितिन रैंक 18th इन द क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट, 49 छात्रों की एक कक्षा में नितिन का स्थान ऊपर से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान ज्ञात करना है आपने, जल्दी बताएं ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा राइट आंसर, राहुल राव कह रहे हैं 32 होना चाहिए सर, बहुत बढ़िया, तारानी 32, योगी कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, चलिए रैंकिंग का मामला है तो टोटल निकालने के लिए हमें एक ही चीज करनी होती है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना होगा, टोटल की वैल्यू कितनी है 49 आपको दे दी, लेफ्ट से 18 है प्लस राइट और माइनस 1, ये इधर जाके 50 माइनस 18 कितना हो जाता है 32, सही जवाब होगा 32, कौन सा ऑप्शन आ रहा है सी, राइट आंसर आ गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, MS Love Beats 32 राइट आंसर, अगला क्वेश्चन आ गया अल्फाबेटिकली इन द मिडल, कौन सा आएगा कौन सा शब्द अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद में बीच में आएगा बोले तो तीसरे स्थान पर आपने बताना है कौन सा आएगा, ठीक है, प्लस क्यों कर रहे हैं, प्लस इसलिए किया ना बेटा क्योंकि क्या था 32 ही तो होगा, 32 ही तो होगा, माइनस वाला प्लस होगा ना, क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हो पता लगे, पहल कह रही है 32 बिल्कुल सही है, सचिन अधोई 31 गलत था, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, क्षमा चाहेंगे एग्जाम आइडिया जी ने बेटा बोल दिया लेकिन अध्यापक के लिए एक कॉमन वर्ड है, मानता हूं मुझसे ज्यादा उम्र के बड़े भाई बैठे होंगे
लेकिन शायद किसी के लिए गलत संबोधन तो मैंने नहीं किया है जिस पर मैं आपकी बात मानूं कि बेटा ना बोला कर। ठीक है, ज्ञान भंडारण पहले ही बहुत है सर, कृपया और ना झाड़े। लता रानी कह रही इंटेलिजेंट होगा। वर्षा मलिक सी, बी ऑप्शन। योगी सी। आर चौधरी कह रहे बी ऑप्शन होगा सर। तमन्ना पुनिया सी ऑप्शन। मनीषा अलावत सी। चलिए, विमल कुमार कह रहे हैं सी ऑप्शन। देखिएगा, सबसे पहले आई एन की बात कर लूं तो सभी में आई एन टी से शुरुआत हो रही है। आई एन टी ई ई ई सब में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इंटेल आगे देखिएगा, एन से शुरुआत, एन तो बाद में होगा। सबसे पहले कौन होगा? जी। जी के बाद कौन होगा? एल। ये तो पक्का पता है, एल एम एन, इन दोनों में से एक है। अब ये देख लीजिएगा, एल एल के बाद ई आ रहा है, दूसरे पे ई आ गया, तीसरे पे इंटेलिजेंट आएगा। इंटेलिजेंट आएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा सर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, सारी पोल ना खोला करो बेटा ऑनलाइन में। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है, 5643 8 से संबंधित है, तो 3563 होगा। 63 का संबंध किससे होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताएं, ऑप्शन ए बी सी या डी। बहुत बढ़िया, यहां पर आने वाला है बड़ा मजेदार सवाल। इतना मस्त लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर, तुक्के मारने शुरू कर दिए आपने। 64 कहना शुरू किया, बी ऑप्शन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सी ऑप्शन। इंडियन आर्मी कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा सर, बाकी सब बी और सी पे हो रहे हैं। ठीक है, वेटिकन शो सवाल का सही जवाब दें और जीते कैश। आना ना भूले आज रात 8 बजे, बिल्कुल टेक्नीशियन महोदय की तरफ से कितना का बुलावा है, 8 बजे तब ना आना है। जब ये बटेंगे कहीं बात जो कर 10 का बटा नहीं बटवा बट्टा। कैशियर साहब यही होंगे, कन्यादान की तरह बैठेंगे वहाँ पर, जैसे लिखते हैं कॉपी पेन के साथ नंबर नोट करते हैं ये, और उसी टाइम पे आपको भेज दिया जाता है। चलिए, 5643 का रिलेशन 8 से बड़ा मजेदार लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर, आपने सही जवाब देना है। लॉजिक देखिएगा, नया लॉजिक आपको सिखा देता हूँ। किया क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहला और तीसरा टर्म कितना बेटा 20, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दिया कितना हो गया 18, डिफरेंस कितना आ गया 2 और 2 की क्यूब दे दी 8, 6 दिया 18, 5 दिया 15, डिफरेंस आ गया 3 और 3 की क्यूब होती है बेटा 27। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सब गलत है। ठीक है, एडिटर सर मारा तो नेट खत्म हो लिया, 8 बजे जरूर आना, चेकअप हो लिया, हॉटस्पॉट पड़ोसियाँ का किस दिन काम आओगा बेटा, है कंपनी में छोटे में कमा नहीं दे रहा। चलिए, राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, दो हमारे यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या होगा राइट आंसर? नहीं नहीं वो दे चुका हूं। चलिए, यहां पर पड़ोसी मारे किसे काम के, नहीं तो हॉटस्पॉट कितने देंगे। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा राइट आंसर, फटाक से बताएं। ए ऑप्शन कह रहे हैं, जल्दी आंसर बताइएगा।
शुरू में टी जरूर आएगा जी, पता है वो तो बेटा चारों ऑप्शन में नहीं। बात बताओ, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। प्लस टू आ रहा है, 18 और दो 20 हो गया, टी आ गया, 9 9 और 6 15। चलो ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये है मजेदार लॉजिक। एम के बाद यहाँ पे क्या दिया गया, 13 प्लस 4 दे दिया गया। अब प्लस 4 दे दिया गया तो देखिएगा प्लस 4 13 और 4 17, ये कैसे कह सकते हैं। ए के बाद आने वाला वाउल क्या होता है, ई, और ई के बाद आने वाला वाउल कौन सा होता है, आई आता है, टी ई आखिर में आई आना चाहिए, ऑप्शन आ रहा है ये देखिएगा। यहाँ पर आती है, बात बनती है, प्लस 4 इसमें कर रखा है, और यहाँ पर ये देखिएगा आई के बाद आने वाला वाउल ओ है, ओ के बाद आने वाला यू है, वाउल और कॉन्सोनेंट का खेल था। बिल्कुल गलत आंसर कर दिया आप लोगों ने, टैक्सी इज द राइट आंसर, टी ई एक्स आई है, टी ए एक्स वाई अल्ला नहीं, ठीक है, सी आएगा वाउल ले रखा है। बिल्कुल जी सही जवाब है ऑप्शन बी, पोपट हो गया सभी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन है, फायर को 84 लिखता है तो रेनबो को क्या लिखेगा, जल्दी से जल्दी एक बार सारे के सारे शेयर कर दीजिए फटाक से क्लास को, और लाइव और लाइक का सेशन, ये धोखा दे रहे हो आप लोग, ये गलत बात है आप लोगों की, ठीक है, जल्दी आंसर दें। इस सवाल में तो मजा आ गया भाई, इस सवाल में जो मजा है ना, और जो लॉजिक है, ओए होए जन्नत जहान है, मैं कह रहा हूं साल के आखिरी दिन ऐसा लॉजिक सिखा के जा रहा हूं, आखिरी के 2-3 सवालों में तो इतना जबरदस्त सिखा दिया है, कहीं ना सीख पाओगे भैया। 248 का लॉजिक बताना, तुक्के मारना शुरू करोगे, रीना जी करिए बी होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर है ए और बी में से, इतना बता दिया आपको, 248, और डी में से भी हो सकता है, सी नहीं है, निकालो अब आंसर, जल्दी जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, इतना जबरदस्त लॉजिक है इस क्वेश्चन के अंदर, ओए होए मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, जाते जाते साल में इतनी बढ़िया सी चीज सीख जाओगे आखिरी दिन, मजा आने वाला है भाई, ठीक है। रख हौसले, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल निशन मोहते के लिए आज काम की शायरी आखिरी दिन साल के इन्होंने दी है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर बताएं। ये शायरी पूनिया सर सुनाते हैं, हाँ ये सब कुछ वही है। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, 356 सी, सचिन अढ़ोई जी, इतने निकम्मे बच्चे हैं, कसम से कसम खा के कह सकता हूं, इसको मना कर दिया ना, मानेंगे ही नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सी कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ठीक है, सी कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मैंने मना कर दिया तो सी जवाब ही नहीं देंगे, वाह बहुत बढ़िया, इतनी तो बात मानने वाले नहीं हो, लॉजिक सुनना, कान खोल के सुन लेना, इतना जबरदस्त लॉजिक है, लॉजिक अगर पहली बार देखा हो और पहली बार सुना हो और पहली बार ट्राई कर रहे हो, लाइव और लाइक का सेशन बराबर हो जाना चाहिए देखते ही, उसके बाद शेयर भी। देखिएगा यहाँ पर आप लोग बेशक कुछ करते रहो, टोटल करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ करो, कुछ नहीं है, फंडा क्या, सुनो कितने वाउल हैं, दो, कितने कॉन्सोनेंट हैं, दो, ये लो, आगे देखिएगा वाउल और कॉन्सोनेंट का मामला कर दूं यहाँ पर, उसका देखिएगा यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, एक की तो क्यूब और एक का करना है स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा एक वाउल कितने, एक दो, यहाँ पर 3 वाउल आ रहे हैं, ठीक है, वाउल का तो करना है स्क्वायर, कॉन्सोनेंट कितने, 1 2 3 और 4, 4 का क्यूब होगा तो 64 9, 649 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा, वाउल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर करके आपने लगाना था 649। हाँ अब लिखना शुरू कर दो, मैंने बता दिया तो आपने भी कर दिया, शाबाश, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉलिड रीजन के साथ में क्वेश्चन, इस तरीके से भी डीप लेवल पे जा सकता है, मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को सुन के, दोबारा सुन लेना, वाउल और कॉन्सोनेंट का खेल था, देखिए 2 वाउल थे, 2 कॉन्सोनेंट थे, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्सोनेंट की तो क्यूब करनी है और वाउल का स्क्वायर करना है, कॉन्सोनेंट है यहाँ पर 1 2 3 और 4, कॉन्सोनेंट तो 4 की क्यूब 64 और वाउल है 3 3 का स्क्वायर 3 649, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में दिल आना चाहिए, और लाइव और लाइक का सेशन बराबर नहीं है, ये बात गलत, जल्दी से बताओ मजा आया तो बात बनेगी, मजा आ गया जी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी, कही शर्त के अनुसार डील पूरी होनी चाहिए, जल्दी जल्दी डील पूरी कर दो फटाफट से, चलो 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 स्पीड बढ़ाओ, रफ्तार पकड़े, फिर हम अगला क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी से शाबाश, थ्री फोकट धरी, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बर्ड फ्लाई रैबिट क्या होगा, बर्ड इज रिलेटेड टू फ्लाई, रैबिट इज किससे होगा, चिड़िया का उड़ना से, खरगोश का किससे, लीप से होगा, फ्रिस्क से होगा, गैलप से होगा, एम्बल से होगा,
जल्दी आंसर बताएं। विमल कुमार कह रहे हैं सर रीजनिंग के फ्री बैच वाले क्वेश्चन कब आ रहे हैं? आएगा बेटा शाम वाले सेशन में, द वेटिकन शो में बात करेंगे आपसे आज रात 8 बजे, वहां मिलेगा कुछ ना कुछ फ्री, सभी को मिलेगा, टेंशन ना लेना, ठीक है? यस सर जी, HSSC वाले सारे हाई लेवल के क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल देंगे भाई, उनने भंडारा थोड़ी लाना है, नौकरी देनी है तो लेवल तो देंगे भाई, ठीक है? फ्री फोकट में थोड़ी घुसाना है, उछल कूद बोले तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिस्क या लीप। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी 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 बी, चलिए बिल्कुल उछलना है, उछलना कूदना, बिल्कुल राइट आंसर, फ्रिस्क ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों में से विषम छाटना है, फटाक से बताइएगा, आसान सवाल, इतने डुबकी लगा लगा के मुश्किल से फंसे थे, निकले हो, आसान आ गए हैं अब आपके लिए, आंख बंद करके तुक्के मार सकते हो अब तो, ठीक है? चलिए जल्दी जल्दी बताएं, ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा राइट आंसर। जल्दी बताएं, राहुल राव बी ऑप्शन कह रहे हैं, अनिल वर्मा सी, राकेश शर्मा बी कह रहे हैं भैया, ट्री 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 ट्री, बिल्कुल सही है, फल क्यों नहीं कहना चाहा आपने, पेड़ ही क्यों कहा, क्योंकि पेड़ के तो तीनों हिस्से ना, इसीलिए पेड़ अलग हो गया, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, सीता सीमा सतीश जी ने सी ऑप्शन गलत दिया, बाकी सभी का जो है सही आंसर था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, 38 के बाद पेज नंबर 39 आ जाए, चारों में से विषम छाटना, जल्दी जल्दी बताएं क्या होगा, फाइंड द ऑड वन आउट, जल्दी से जल्दी आंसर देना होगा, क्विक स्पीड बढ़ाएं। चलिए ये है लॉजिक, बड़ा मजेदार सवाल, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, इतना जबरदस्त लॉजिक है भैया, दिल गार्डन गार्डन होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी बताइएगा, 15:35 फाइंड द ऑड वन आउट है, विषम छाटना है, 77 ये सारे डाली गला गए, बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेटिव 6 गुलिया, चलिए अरे प्राइम नंबर का कुछ लफड़ा होगा गुरुजी इसमें, 99 बिल्कुल सही जवाब है, 99 सी इज द राइट आंसर, किसने दिया है, राकेश शर्मा 99, तमन्ना पुनिया 99, कारण देखिएगा, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 11 प्राइम नंबर के मल्टीपल है, 11 × 9, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, 99 इज द राइट आंसर, बिल्कुल जी ठीक है, स्क्वायर माइनस 1 कैसे दे दिया, 16 का स्क्वायर माइनस 1 किसका स्क्वायर है, 35 का, यहाँ पे हाँ दो लॉजिक हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, 77 वाले भी ठीक आ रहे हैं भाई, लॉजिक दो आ रहे हैं, बिल्कुल डी वाले भी ठीक हो सकते हैं, ये देखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल डी ऑप्शन भी हो सकता है, पोपट डबल ग्रेस मार्किंग, दो ऑप्शन दोनों किसी के भी ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, 99 तो उस लॉजिक से सही था, यहाँ पर स्क्वायर माइनस 1 से बन रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है चलिए बिल्कुल जी, चलिए ये है मेन चीज आज के लिए, आज रात 8 बजे कैश बटेगा, पहुंच जाइएगा 8:30 द वेटिकन शो में, जरूर आना है, और काउंसलिंग मेगा स्कॉलरशिप मामला तो आपका होना ही होना है, ठीक है बेटा, चलिए ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन में भी वेटिकन ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाक से, क्योंकि आज रात बहुत बड़ा धमाका आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पक्का होगा, ऑफलाइन में धमाका चल ही रहा है, जिस बच्चे ने ऑफलाइन आके पढ़ना है सेंटर पर रोहतक हेड ऑफिस में, वो बेटा बड़ा अप टू 50% ऑफ आज का था और कल के लिए है, और ये चीज मैं आपको बता दूं क्या है,
एसएससी के लिए मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है 3 जनवरी को, 3 जनवरी 2022 को ये आपके लिए क्या रहेगा, एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है। दूसरी चीज आप लोगों के लिए भव्य काउंसलिंग, ये 5 जनवरी को रहने वाली है। स्कॉलरशिप टेस्ट में आइए, स्कॉलरशिप पाइए, मौका आपके पास में है टैलेंट को दिखाने का, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज रात 8 बजे आना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।